मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर चौथी बार विश्वास किया है। और मुझ जैसे झारखंड विधानसभा के पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर हटिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जायसवाल ने अपना नॉमिनेशन किया है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अजय नाथ शाहदेव ने नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि चौथी बार मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे टिकट दिया गया है। पार्टी और जनता द्वारा किए गए भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा। क्षेत्र में कई ऐसे कार्य हैं उसे करना है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। मुझे हटिया विधानसभा की जनता पर पूरा भरोसा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर चौथी बार विश्वास किया है। और मुझ जैसे कार्यकर्ता पर हटिया की जनता को भी विश्वास है और हमेशा जनता के सुख में दुख में उनके काम में लगातार रहता हूं, विकास में रहता हूं। आने वाले समय चुनाव आ रहा है और 13 तारीख को मतदान होना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करने घर से जरूर निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना मत देकर इसको यहां पर फिर से कमल खिलाने का काम करें। देखिए मेरा आप सभी हमारे जो मीडिया के साथी आप लोग हैं, मीडिया के सभी भाई, मीडिया के सभी भाइयों से भी मेरा आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि जिस तरीके से हम लोग लगातार जनता के बीच लगे रहे हैं, अजय नाथ शाहदेव हटिया विधानसभा में लोगों के सुख में दुख में शामिल रहता है, एक भाई और बेटे के रूप में लोगों की सेवा करता है, तो मेरा भी आप साथियों से आग्रह होगा कि इस बार जो है बदलाव के लिए आप लोग हमारा साथ दें। आप भी इसी क्षेत्र के काफी लोग निवासी हैं और मैं सारे लोगों को ये आग्रह करता हूँ, मैं सबका अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, जोहार करते हुए, आदाब करते हुए यही आग्रह करूंगा, इस बार हटिया विधानसभा में बदलाव लेके आना है। एक बार अजय नाथ शाहदेव को मौका देके देखिए। एक समस्या है वहाँ पे, क्या बोले पट्टा, पट्टा दो दिख रहा है, पट्टा दो दिख रहा है। अजय भैया जीत गया, देखिए अजय भैया जीत गया। मेरे मैंने कहा कि मैं पूरे हटिया विधानसभा में जो हमारे यहाँ के सरना भाई बहन भी हैं उनके साथ लगातार उनके सरना धर्म कोड उनको मिलना चाहिए, ये उनका वाजिब, उनका हक और अधिकार है। और सरना भाई बहन लोग जिस तरीके का प्यार देते हैं मुझे कि काफ़ी जगह पे, क्योंकि देखिए हम यहाँ के मूल वासी हैं, यहाँ का एक मूल निवासी जो है होने के नाते यहाँ के चाहे सरना भाई बहन हो, यहाँ से बाहर से आके बसने वाले लोग हों, ये सारे लोगों के बीच में अगर कोई ब्रिज हो सकता है, कोई व्यक्ति जो सभी लोगों को लेकर चल सकता है, तो वो अजय नाथ शाह जी हैं। हमारे झारखंड की परंपरा है। देखिए कौन कितनी बार जीता है उस पे बात नहीं, आगे जब चुनाव जो होने वाला 13 तारीख को जो हटिया विधानसभा के जो भाई बहन हैं ये सारे लोग बदलाव के लिए अजय नाथ शाहदेव को लेके आएंगे। इसी के बाद HEC जो है, HEC आज जिस कगार पे आ चुकी है, HEC की जमीनें किसने दी थी, यहाँ के झारखंड के भाई बहनों ने दी थी, आज HEC बर्बादी के कगार पे आ गया है। वहाँ के विस्थापितों को न्याय नहीं मिला, वहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो अधिकारी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, HEC बंदी के कगार पर है, अजय नाथ शाहदेव जी के साथ खड़ा है, वहाँ के वर्कर के साथ खड़ा है।